कब आया है इसको भी नोट कर लीजिए। अब यूं समझिए कि 749 से ये दौर चल रहा है बनू अब्बास का, और ये खत्म हुआ है 1258 में। इस दौर के निस्फ यहां आखिरी हिस्से में इस्लाम यहां आना शुरू हुआ 300 बरस बाद, तकरीबन 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी के हमले, वॉरिंग, ये सब आने शुरू हुए 1000 ईस्वी। फुल 3 सेंचुरीज गैप। इस नक्शे को अच्छी तरह समझिए, जेब में बिठाइए। और इसमें अब जो इस्लाम आया वो इस खत्ते में आया। यहां लाहौर है आपका, क्योंकि ये शिमाल मगरबी दरों से ये फौज महमूद गजनवी बौरी वगैरह हों, और उसके बाद 1206 में दिल्ली में हुकूमत कायम हुई तख्ते दिल्ली। अब नोट कीजिए कि 1206 में दिल्ली में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। कल्बे आलम इस्लाम का हाल क्या था कि 1258 में खिलाफत अब्बासिया खत्म हुई। All in disarray, chaos, no central authority, local sultan, बेशुमार छोटी 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 हुकूमतें कायम हो गई। खलीफा बनी अब्बास का सिर्फ नाम खुतबे में ले लेते थे, बाकी सब जो है हुकूमतें जो ऑटोनॉमस थी, जिसे तवाइफुल मुलूकी कहते। और यहां तक के 1258 में चिराग ही गुल हो गया खिलाफत बनू अब्बास का। तो गोया के कल्बे इस्लाम में जब इस्लाम इंतहाई, न सिर्फ इस्लाम बल्कि मुसलमान इख्तदार भी, अरब इख्तदार कम से कम, इंतहाई जवाल को पहुंच चुका था, तब इस्लाम में, तब हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज हुआ दोबारा। लेकिन शिमाल मगरबी सरहद पर वाके पहाड़ी दर्रों से इस्लाम का सैलाब कम व बीस 3 सदियों बाद शुरू हुआ, और मजीद लगभग 200 बरस तक इसकी नौयत वाकेतन पहाड़ी नदी नालों के सैलाब ही किसी रही कि जोर और शोर और गैज़ो गजब के साथ आया और आनन फानन गुजर गया। महमूद के हमले कैसे होते थे, आया और गया, जैसे कि बलोचिस्तान में सैलाब आता है, आया और गया। पहाड़ी तो यही होता है मामला। तो इसको आप कंट्रास्ट देखिए कि जनूबी हिंद में मुसलसल हल्की हल्की बारिश हो रही है इस्लाम की, शिमाली दर्रों से 200 बरस तक सैलाब आता रहा, आया और गया, आया और गया जोर शोर के साथ। अलबत्ता उसके बाद फिर वहां सल्तनत हमारी कायम हुई, वो गौरी की सल्तनत, और उसके जरिए से फिर इस्लाम का आगाज हुआ। लेकिन 1206 में तख्ते देहली पर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत शुरू हुई है। और अगरचे इस बार मौजूदा पाकिस्तान के निसफ शिमाली की किस्मत जागी कि वो 1000 के आसपास ही बाकायदा इस्लामी कलमरों में शामिल हो गया, ताहम वाकया यही है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के हमलों की असल हैसियत पहाड़ी नालों के सैलाब से ज्यादा न थी, जो इधर आता है उधर गुजर जाता है। इज इट क्लियर? फर्क को महसूस कर रहे हैं दोनों अदवार के? अब इसको मिटा दो।